राम राम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मेरा वीडियोस देखते होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और जो भी मेरे से गलती हुई है उनमें कमेंट करें। पर ऐसा बहुत कम हुआ कि लोगों ने कमेंट करे हैं, लाइक करे हैं और हालाँकि वीडियो भी रहे, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो सभी लोगों को, दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ सिवनी से जबलपुर। तो मैं अभी नेशनल हाईवे 44 में हूँ। जैसे आप लोगों को पता था कि पहले नेशनल हाईवे 7 था और बाद में नेशनल हाईवे 44 हो गया है। तो दोस्तों, यहीं से मैंने अपनी शुरू की थी मैंने वीडियो बनाने का सफ़र, जब मैं गौर साहब, बड़े गौर साहब के साथ, छोटे गौर साहब के साथ जब निकलने लगा वीडियो बनाने के लिए। तो पहली बार तो मैं काफ़ी दिन सोच रहा था कि कब बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ। और मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि कैसे क्या होगा। और सब में बड़ी बात तो यही है ना सर कि सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, उस चीज़ को रोग को अलग करते हुए मैंने शुरुआत अपनी सिवनी से करी थी। और शनिवार का दिन था और शनिवार को ही मैं बड़े गौर साहब के साथ निकला। और बड़े गौर साहब के साथ निकलने के बाद मैंने वहाँ से शूटिंग शुरू करी कि चलो भाई शुरुआत तो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो शनि मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और रोड सिवनी के बारे में मैंने जानकारी दी और पहला वीडियो मेरा मैंने वहीं पे बनाया। और हालांकि मेरा पहला वीडियो में जो अपलोड किया था वो मैंने अपनी बाइक का जो टेस्ट राइड की थी उसका वीडियो डाला था, वो भी इसी रोड पे किया था मैंने और गलती से मैंने उसको 47 कर दिया था, 44 है। तो दोस्तों, बड़े गौर साहब के साथ मैंने पहला वीडियो बनाया जो कि शनि मंदिर और हनुमान मंदिर का था, जो कि नेशनल 44 नागपुर रोड में ही है। इससे पता था शेर मिला था, हिम्मत मिला था शेर। तो दोस्तों, शुरू कर दिया मैंने वीडियो बनाना और बस एक के बाद फिर शनि मंदिर को बनाया। फिर अच्छा हुआ कि गौर साहब की छुट्टी पड़ गई तो उसके बाद फिर अम्मा माई, फिर लामा ज्योति के बाद फिर अमोदागढ़ के बाद फिर सरदार संजय सरोवर बांध, एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध। और उसके बाद फिर अमोदागढ़, भीम घाट और सबके साथ ऐसा सब हम और जो वैष्णो देवी मंदिर, फिर बाद में धीरे धीरे बनाता गया। तो बस धीरे धीरे मेरे अंदर आत्मविश्वास आने लगा और मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिया। अब जबकि मैं 15 दिन रह चुका हूँ, उस तक वीडियो बना लिया हूँ मैंने। अब मैं सिवनी से जबलपुर जा रहा हूँ तो मैंने कहा चलो यहाँ इसका भी वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, अभी मैं सिवनी से छपारा से मैं यहाँ पर मैं बंजारी माता के दर्शन करूँगा। ये पहले नेशनल हाईवे 7 हुआ करती थी, जब सिंगल पट्टी थी, जब इस रोड का निर्माण नहीं हुआ था। नेशनल हाईवे 47 होती थी लखनऊ से जबलपुर, से लखनऊ, लखनऊ से छपारा से सिवनी जब जाते थे तो ये इतनी पतली रोड हुआ करती थी दोस्तों, आज से 12-13-14 साल पहले। बताइए, इस रोड पे बसेस आना जाना होता था और ये नेशनल हाईवे 47 था ये। उसके बाद दोस्तों, इस रोड के बाद फिर पीछे पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को काट के फिर 4 लेन वहाँ से निकली है जो नेशनल हाईवे 44 हो गई है। दोस्तों, यही रोड है पुरानी और यहीं से सब दर्शन करते हुए माँ बंजारी के दर्शन करते हुए जबलपुर जाते हैं। जबलपुर तो सिवनी और नागपुर जाते हैं और वहाँ से फिर माँ बंजारी दर्शन करते हुए यहाँ से निकलते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है बंजारी माता जी का। और बताते हैं यहाँ पर शेर मकादा बंजारी माता के दर्शन करने आते थे और आते हैं अभी भी, क्योंकि बहुत घना जंगल था पहले, अभी भी है, लेकिन तो रोड चौड़ी हो गई तो थोड़ी हल्की फुल्की से बजरंगबली का जो मंदिर है ये हम पहुँच रहे हैं। उस हल्का सा मेरा कैमरा नीचे हो गया है तो मुझे बाद में पता चला जब मैंने वीडियो देखा, उससे मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं बंजारी माता के मंदिर पहुँच गया हूँ और मैं अपनी बाइक खड़ी करता हूँ। भीड़ है, जो कोई भी आता है दर्शन करके जबलपुर से सिवनी जाता है या सिवनी से जबलपुर जाता है तो बंजारी माता के मंदिर में रुकते ही रुकता है। बसेस भी यहाँ रुकती थी पहले, अभी भी रुकती हैं, पर बहुत सी बसेस पीछे, शायद जो पीछे रोड बनी है नेशनल हाईवे 44 की 4 लेन, वहाँ से निकल जाती है। ये दर्शन करते हैं माँ बंजारी के। जय माता दी। इतनी सामने लोग खड़े जाते हैं, ये देखिए, जो व्यक्ति अगर जूते पहना हो, जैकेट पहना हो और बैग टंगाया हो 50 किलो का, वो व्यक्ति नहीं जा पा रहा मंदिर, तो कम से कम बाहर से दर्शन तो कर ले। पर लोग खड़े हो जाते हैं एकदम सामने कि बस हमको देखें भगवान और किसी को ना देखें, हम ही हैं बस। चलिए, कोई बात नहीं,
दर्शन तो मैं कर चुका था पर मेरा हल्का सा कमरा नीचे था तो नीचे चला गया वो व्यू। आपने देखा हनुमान जी का मंदिर, एक बार फिर से दर्शन करने की कोशिश करता हूँ। जय बंजारी माता, ये देखिए, ये काफ़ी मुझे और थोड़ी पा जाना था पर हल्का सा अंधेरा था। ये देखिए मैं पास आके गया तो पर ध्यान नहीं था कैमरा जो है नीचे है, बंजारी माता भी नहीं दिख पा रही, फिर भी फ़ोटो लगाऊंगा माँ बंजारी ताकि सभी लोग दर्शन कर सकें। चलिए फिर मैं दर्शन हो गए चलते हैं। दोस्तों ये है नेशनल हाईवे 44 और अब मैं यहाँ से लखनऊ दौन तरफ निकलता हूँ। तो दोस्तों पहले ये रोड जो थी ये नेशनल हाईवे 47 थी जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये रोड पूरी सीमेंटेड रोड है, कई कई जगह पे डामल की रोड भी है और बहुत शानदार रोड बनी हुई है। पहले सिंगल पट्टी से दचड़ दचड़ करके 4 से 5 घंटे लगते थे जबलपुर से चुनी से जबलपुर। अब जिनके पास अपनी खुद की SUV है या सेडान है, हैचबैक है और अच्छी ड्राइविंग स्किल है उनका, तो ये बहुत ही, और बाइक से भी अगर आते हैं बहुत ही जल्दी 2 घंटे पौने 2 घंटे आप चुनी से जबलपुर, जबलपुर से चुनी पहुँच सकते हैं। बहुत ही शानदार रोड हो गई, बशर्ते कि स्पीड ब्रेकर यानी कि गऊ माता, भेड़ भैया, बकरी दीदी ये बस ना मिलें, क्योंकि जब ये आते हैं तो ये स्पीड को ब्रेक कर देते हैं, तो ये नेचुरल स्पीड ब्रेकर कहलाते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि नेशनल हाईवे में तो स्पीड ब्रेकर्स होते नहीं हैं पर स्पीड ब्रेकर स्पीड को ब्रेक लगाने वाले यही होते हैं। तो देखिए दोस्तों नेशनल हाईवे 44 डिवाइडर यहाँ से काफ़ी बीच बीच में गैप दिए गए हैं ताकि लोग जो रेस्टोरेंट होते हैं इस साइड, लोग जो अगर पीने जा रहे हों तो उधर रेस्टोरेंट उधर यहाँ पर रुक जाएँ और यहाँ से उधर जा सकें, तो बीच बीच में इन्हें गैप दिए हुए हैं, रास्ते बनाए गए हैं। जीब्रा क्रॉसिंग भी है, जीब्रा क्रॉसिंग अब क्या बता दूँ मैं, बस है अकेले। अरे दोस्तों यहाँ पर पेड़ हुआ करते थे, अब क्योंकि 4 लेन बन गई है तो काटने तो पड़ते ही पड़ते हैं, असर तो पड़ता है, उनका फिनका गर्मी बढ़ जाती है। पैक लगा कर रखे हुए हमने सीमेंट के, कभी कभी बीच में खराब भी जाती है। दोस्तों मेरी एक ऐसी आदत है कि मैंने बहुत से यूट्यूबर्स देखे हैं जो सच में बीच बीच में रुकते भी हैं, ये रेलिंग लगा के रखी है क्योंकि यहाँ गांव है। यूट्यूबर्स हैं जो अपने मोटर ब्लॉगिंग वीडियो बनाते हैं, वो बाकायदा रुकते हैं, गाड़ी खड़ा करते हैं, गाड़ी को रेस्ट देते हैं, तो पूरा 60 डिग्री का एंगल से वो वीडियो शूटिंग भी करते हैं, पूरा का पूरा लोकेशन दिखाते हैं, अपनी गाड़ी को दिखाते हैं। देखिए स्पीड ब्रेकर, नेचुरल स्पीड ब्रेकर भी निकला, पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सीधे रुकता ही नहीं हूँ मैं, चाहे 4 व्हीलर में हूँ चाहे 2 व्हीलर में हूँ, पता नहीं आदत सी क्या है कि मैं रुकता ही नहीं हूँ, बहुत ख़राब बात है मेरी ये, मुझे रुकना चाहिए, गाड़ी को आराम देना चाहिए थोड़ी, अगर आप मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आसपास की चीज़ों को देखना चाहिए, इवन गाड़ी भी खुश हो जाए कि मेरे पर चढ़ के जा रहा है तो मुझे तो दिखाए कम से कम, मुझे दिखाते ही नहीं है, बस मीटर दिखाई पड़ता है। देखिए दोस्तों ये पूरा जंगल है, पूरा जंगल यहाँ पर भी, पर जितना घना जंगल सिवनी साइड है, जबलपुर सिवनी की इतना जंगल नहीं है। हाँ बहुत अच्छे से पिकनिक स्पॉट्स जरूर हैं जबलपुर सिवनी के बीच में, पर सिवनी से फिर जो नागपुर और एकपुराई घाटी जो आपको सब मैंने जितने वीडियो शूटिंग करी है वहाँ पर, वो घना जंगल है जहाँ पर शेर की टेरिटरी और तेंदुए की बहुत ज़्यादा है, आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि ये जिस रूट में मैं चल रहा हूँ ये पहले हुआ करती थी नेशनल हाईवे 7, उसके बाद जब विस्तार बढ़ा, रोड बनी, सब कुछ हुआ तो नेशनल हाईवे 44 हो गया। तो दोस्तों ये जो रोड है
ये रोड जो है ये 12 स्ट्रीट से होके होती है, ये निकलती है, जैसे कि आप तमिलनाडु से कन्याकुमारी जाएँ, तमिलनाडु से आप जम्मू कश्मीर जाएँ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाएँ, तो अगर आप जैसे अभी मैं यहाँ से समझ लो आप तमिलनाडु से उधर जा रहा हूँ मैं दिल्ली साइड, आप ऐसा सोच सकते हैं, तो पहले तमिलनाडु पड़ेगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आखिरी में फिर जम्मू कश्मीर में रास्ता ख़त्म होती है। तो ये कहलाती है कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, या तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक की रोड कवर करती है पूरी जो रोड है नेशनल 44। दोस्तों पहले क्या था, कन्याकुमारी से लेके जब रोड होती थी, कन्याकुमारी से जो लखनऊ है ये होता था पहले नेशनल हाईवे 7, पहले आज से 2015 की बात बता रहा हूँ, तो ये कन्याकुमारी से लखनऊ तक ही होता था नेशनल हाईवे 7, और फिर यहाँ से नेशनल हाईवे जबलपुर में जाके ये जब ये सागर और झांसी जाती थी तो ये बदल जाता था ये रूट। दोस्तों मैं बताने ये भी चाह रहा हूँ, जब ये कन्याकुमारी से जब ये शुरू होता है रोड, तो कन्याकुमारी से आप ये जाता है तिरुनेलवेली, मदुरई, सेलम, धर्मपुरी, कृष्णगिरी, होसुर, बेंगलुरु, चिकबलपुर, अनंतपुर, कर्नूल, हैदराबाद, कामारेड्डी, निजामाबाद, आदिलाबाद, ये पहले तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, फिर तेलंगाना, अब महाराष्ट्र, नागपुर का एक शहर नागपुर, महाराष्ट्र का एक शहर नागपुर, फिर मध्य प्रदेश में सिवनी, लखनऊ, नरसिंहपुर, सागर, फिर यूपी में ललितपुर, झांसी, और फिर झांसी के बाद फिर एक और शहर मध्य प्रदेश का ग्वालियर, फिर आते हैं, फिर निकलता है ये उत्तर प्रदेश में धौलपुर, आगरा, मथुरा, पलवल, फरीदाबाद, फिर दिल्ली, फिर हरियाणा में फिर पानीपत, करनाल, अम्बाला, फिर पंजाब पहुंचता है लुधियाना, जलंधर, पठानकोट, और फिर जम्मू कश्मीर में कठुआ और जम्मू, फिर श्रीनगर। तो दोस्तों ये जो है इसमें कम से कम 35 से 40 के से ज़्यादा ही स्टेट शहर जो हैं इसमें आ रहे हैं नेशनल 44 में। दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 1111 किलोमीटर नेशनल हाईवे 44 की, यानी 2555 मील, और स्वर्ण का जो है ये 55 किलोमीटर का जो है रास्ता है, स्वर्ण चतुर्भुज जो आप कहते हैं उसको 94 किलोमीटर का। और दोस्तों लखनऊ से कन्याकुमारी जो है वो है उत्तर दक्षिण में 1128 किलोमीटर, और बेंगलुरु कृष्णगिरी की बताया 58 मीटर, और स्वर्ण का जो है वो है 94 मीटर। और दोस्तों एक बात और ये है कि कन्याकुमारी से लेके लखनऊ तक, और लखनऊ शायद ग्वालियर तक फुल है ना, उसके आगे अगर दिल्ली और जाते हैं आगे, जब और ऊपर जाते हैं आप जम्मू कश्मीर साइड दिल्ली से, तो ये 8 लेन भी है, 6 लेन रोड भी यहाँ पर है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि वहाँ जाके ये चीज़ें और चौड़ी जाती है, नेशनल अपने कैपिटल में पहुँचती है दिल्ली में। फिलहाल तो यहाँ से जब आप लखनऊ से जबलपुर जाते हैं तो नेशनल हाईवे 34 हो जाती है। और दोस्तों यही नेशनल हाईवे 34 जबलपुर से शुरू होते हुए लखनऊ से शुरू होते हुए जबलपुर और फिर उत्तराखंड तक जाती है, तो जो लखनऊ से उत्तराखंड की जो रोड है वो है नेशनल हाईवे 34। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। राम राम।